हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल APK इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, यह वीडियो ITI सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट है, जिसमें निमी पैटर्न के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। मार्केट ट्रेंड्स आर यूजफुल टू प्लान वंस करियर बिकॉज दे हेल्प टू। बाजार के रुझान किसी के करियर की योजना बनाने के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे मदद करते हैं। राइट आंसर बी, रिकॉग्नाइज जॉब्स दैट आर एंड विल बी इन डिमांड। उन नौकरियों को पहचाने जो मांग में हैं और होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरियर पाथवे मीन्स कैरियर पाथवे का अर्थ है। राइट आंसर बी, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ जॉब्स विद इन ए करियर। कैरियर के भीतर नौकरियों के छोटे समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू समथिंग एंड हाउ क्विकली ही कैन लर्न समथिंग इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति के कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता और वह कितनी जल्दी कुछ सीख सकता है कहलाती है। राइट आंसर डी, एप्टीट्यूड, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सीरीज ऑफ नंबर्स इज गिवन। यू नीड टू फिल ए नंबर इन द ब्लैंक बाई अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द सीरीज। फिल द नंबर इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के पैटर्न को समझकर आपको रिक्त स्थान में एक संख्या भरनी है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरें। राइट आंसर बी, 168। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर 40 घंटे में पहुंच सकता है यदि वह अपनी गति 1/15 से कम कर देता है तो वह उस समय में 5 किलोमीटर कम चला जाता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। राइट आंसर सी, 75 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000। तीन 3000 का कितना प्रतिशत है। राइट आंसर डी, 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन बोथ ए लैम्प 4 रुपए 100 एंड सोल्ड इट 4 रुपए 120। हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। एक आदमी ने 100 रुपए में एक दीपक खरीदा और उसे 120 रुपए में बेच दिया। उसने कितना लाभ कमाया। लाभ प्रतिशत क्या है। राइट आंसर बी, प्रॉफिट 20 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिहर्सिंग और प्रैक्टिस सीजन बिफोर एन इंटरव्यू इज कॉल्ड। साक्षात्कार से पहले पूर्वाभ्यास या अभ्यास सत्र को क्या कहा जाता है। राइट आंसर डी, मॉक इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिविटीज दैट वन डज ड्यूरिंग फ्री टाइम सच एज रीडिंग, गार्डनिंग, राइटिंग, ब्लॉग्स आर कॉल्ड। गतिविधियां जो व्यक्ति खाली समय में करता है, जैसे पढ़ना, बागवानी करना, ब्लॉग लिखना, क्या कहलाता है। राइट आंसर बी, हॉबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए पर्सन इज नेचुरली गुड एट डूइंग समथिंग इट इज हिज। जब कोई व्यक्ति कुछ करने में स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है तो वह उसका होता है। राइट आंसर सी, स्ट्रेंथ, ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन। टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू मेक वंस टास्क एसियर टू वर्क इफिशियंसली एंड मेंटेन रिज्यूम आर कॉल्ड। किसी के कार्य को कुशलतापूर्वक कार्य करने में आसान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीकों और रिज्यूम में उल्लेखित को कहा जाता है। राइट आंसर डी, स्किल्स,
कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग दैट अलाउ यू टू लर्न ए पर्टिकुलर स्किल और ए सेट ऑफ स्किल्स वाइल यू वर्क इन द इंडस्ट्री इज कॉल्ड। प्रशिक्षण की एक भुगतान अवधि जो आपको उद्योग में काम करते समय एक विशेष कौशल या कौशल का एक सेट सीखने की अनुमति देती है, उसे कहा जाता है। राइट आंसर डी, अप्रेंटिसशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स अप्रेंटिसशिप थ्रू। भारत सरकार किसके माध्यम से शिक्षुता को बढ़ावा देती है। राइट आंसर ए, NAPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश ऑन द NAPS डैश टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। राइट आंसर बी, रजिस्टर कोमा पोर्टल, मतलब शिक्षुता के लिए आवेदन करने के लिए NAPS पोर्टल पर रजिस्टर करना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। राइट आंसर डी, लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कंपनीज नीड टू इनकॉर्पोरेट डैश इन दियर वर्क। राइट आंसर सी, वर्क प्लेस कोमा सेफ्टी, मतलब कार्यस्थल की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, सभी कंपनियों को अपने कार्य क्षेत्रों में सुरक्षा को शामिल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस मैंडेट्स सेफ्टी ऑफ डैश एंड डैश ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट इन द वर्क प्लेस। राइट आंसर बी, वुमेन कोमा प्रिवेंशन, मतलब पोस ने कार्यस्थल में महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न की रोकथाम को अनिवार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी विद रिस्पेक्ट टू पोस एंड सेक्सुअल हरेसमेंट मीन्स। पोस और यौन उत्पीड़न के संबंध में आईसीसी का मतलब है। राइट आंसर डी, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, किसका अर्थ है? अपने आप को और अपने आसपास को साफ सुथरा रखने का अभ्यास। राइट आंसर डी, हाइजीन, स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाइजीन आर मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, ब्रशिंग टीथ ट्विस ए डे, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, कटे और साफ नाखूनों को बनाए रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना, किस स्वच्छता के उदाहरण हैं? राइट आंसर सी, पर्सनल, व्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड डैश हाइजीन। राइट आंसर ए, कम्युनिटी, मतलब अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना समुदाय स्वच्छता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज, सामाजिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक जीवन कौशल क्या है? राइट आंसर ए, लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको होना चाहिए। राइट आंसर सी, फॉर्मल, औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय, हाउ आर यू, व्हाट इज अप, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, नमस्ते, कैसे हो, क्या चल रहा है, ये उदाहरण हैं। राइट आंसर बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन,
जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं? राइट आंसर डी, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डैश ए मूवी यस्टरडे। राइट आंसर सी, वॉच्ड। आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। मैंने कल एक फिल्म देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेस इज उपकरणों का एक वचन रूप है। राइट आंसर डी, डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनाउंसमेंट डैश यस्टरडे वाज अननेसेसरी। उचित शब्द के साथ वाक्य पूरा करें। राइट आंसर ए, मेड। द अनाउंसमेंट मेड यस्टरडे वाज अननेसेसरी, मतलब कल की घोषणा अनावश्यक थी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।